दोस्तों आज ये संदेश दिल से मेरे किसान भाइयों के लिए, जिनकी वजह से मेरे घर पे आज खाना आता है और मैं उनको आभार व्यक्त करती हूँ। आज 4.5 साल से एक इंसान आपके लिए दिन रात काम कर रहा है ताकि आपके ऊपर एक घर हो, पक्की छत हो, ताकि आपके घर में LPG सिलेंडर आया, आपके घर में बिजली की चमक आई, आपके को बीमा हो, आपके पर आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाए तो आपको धक्के नहीं खाने पड़े, आपके पास 5 लाख का इंश्योरेंस हो ताकि आप अच्छे से अच्छी जगह पे अपना इलाज करवा सकें, आपके फसल बीमा योजना है आपके लिए, मतलब उन्होंने जो सोचा वो किया, ताकि आपकी बेटी जब बाहर आंगन में खेल रही हो तो आपके भी सपने कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो पूरे हों। क्यों कर रहा है ये इंसान ऐसा? क्या उसको सत्ता की भूख है? अगर सत्ता की भूख होती तो वो 4.5 साल बहुत आराम करता और फिर अगले 6 महीने में आपके जो लोन है बोलता कि आपका कर्ज़ा माफ़ कर दिया और फिर से आपको वोट, आपके वोट ले लेता है। वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उनको आप में वोट बैंक नज़र नहीं आता, उनको आप में इंसान नज़र आता है, क्योंकि ये जो इंसान है ये भी ज़मीन से निकला और ये समझ सकता है आपकी मजबूरी। लेकिन उधर एक दूसरी पार्टी है जो आपको सिर्फ वोट बैंक समझती है, वो वोट बैंक समझती है, इसीलिए आज 70 साल तक आप वहीं हैं जहाँ थे, आप कुछ नहीं हुआ, और अब आप वो फिर आप में वोट बैंक देख के फिर आपका कर्ज़ा माफ़ करवाने के वायदे, झूठे वायदे जो भी हैं उससे आप फिर वोट ले लेगी और फिर 5 साल आप वैसे ही जिएंगे जैसे 70 साल जी रहे थे। अब आपकी मर्ज़ी है, ये आपका चुनाव है कि आपको किसको चुनना है। अगले 2-3 साल के बाद क्या आप अपने घर में जगमगाती हुई बिजली देख के अपनी बीवी को LPG सिलेंडर पे खाना बनाते, अपने सपने पूरे देखते हुए शुक्रिया करेंगे ईश्वर का, उस इंसान का, कि हाँ हमने इसे दोबारा वोट दे के जिताया और हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो गई? या फिर आप 3 साल के बाद आँख बंद करके रोएंगे और आंसू में कहेंगे कि अरे यार वो इंसान क्या था और हमने उसे क्यों वोट नहीं दिया? अपनी आत्मा से ज़रूर पूछना वोट देने से पहले, और बस मैं इतना का अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना। धन्यवाद। मेरा आज का मैसेज रिस्पेक्टेड इलेक्शन कमीशन के लिए। सर, मैं एक भारतीय टैक्स पेयर हूँ जो पिछले 70 साल से सरकार को टैक्स देता जा रहा है ताकि देश की तरक्की हो। मैं वही टैक्स पेयर हूँ जो सड़क के गड्ढों पे गिर के मरता है। मैं वही टैक्स पेयर हूँ जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल से बने हुए पुलों के नीचे जाके मरता है। और मैं वही टैक्स पेयर हूँ जो घर में एयर प्यूरीफायर लगाता है क्योंकि मेरे पास सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पर फिर भी मैं टैक्स भरती हूँ और मैं टैक्स भरने को तैयार हूँ। जब तक मेरे टैक्स से किसी गरीब के घर में चूल्हा जलता है, उसको LPG सिलेंडर मिलता है, मेरे देश की सड़कें बनती हैं, मेरे देश की प्रगति होती है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मेरे टैक्स का इस्तेमाल कोई पॉलिटिकल पार्टी वोट खरीदने के लिए करती है, वो मुझे मंजूर नहीं है। सर, आपकी रेगुलेशंस के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैश या लिकर देके वोट नहीं खरीद सकती, लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टीज स्टेज पे खड़े होके आपकी रेगुलेशंस का धज्जियाँ उड़ा देती हैं जब ये लोन वेवर की और मुफ्त बिजली पानी की बातें करती हैं। सर, वो भी तो कैश ही हुआ इनडायरेक्टली, वो भी तो यही बोल रही हैं कि हम आपको कैश देंगे, हम आपका कर्ज़ा माफ़ कर देंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? कमा मैं रही हूँ और टैक्स उनका माफ़ हो रहा है जिन्होंने कभी टैक्स भरा ही नहीं। तो सर, आज की जो रूलिंग पार्टी है उनको भी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि वो ऐसा ना करें, या हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं करेंगी, तो जो करेगी इंडिया में तो मुफ्तखोरों की भरी पड़ी है, वो उस पार्टी को वोट कर देंगे। सर, यहाँ पे आपकी इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। इस पॉपुलिस्ट मेजर से हमारा देश 20 साल पीछे चला जाएगा। लोन तो किसी गरीब किसान का माफ़ होगा नहीं, आधा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज में जाएगा और ये उसी झूठे वादों की वजह से देश में फिर जीत जाएंगे। इन लोगों को जब क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा योजना सब कुछ है, तो लोन वेवर की ज़रूरत क्या है? और ज़रूरत है भी तो उस गवर्नमेंट को डिसाइड करने दो जो आती है, लेकिन लोन वेवर के प्रॉमिस पे अगर गवर्नमेंट आती है तो वो कैश देना ही हुआ। सर, आपको ये रोकना पड़ेगा। मैं एक टैक्स पेयर हूँ, अगर ये ऐसा होता रहा तो मेरे जैसे बहुत सारे टैक्स पेयर टैक्स भरना छोड़ देंगे। सर, अब आपके हाथ में है ये देश, बहुत कम दिन बचे हैं जनरल इलेक्शंस में। सर, ये रेगुलेशन लेके आइए कि लोन माफ़ करना, मुफ्त की चीज़ें बांटना किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में अलाउड नहीं होना चाहिए। सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।